नमस्कार, मैं ललिता खबर लहरिया से। सुनते हैं आज 21 मई की दिन भर की मुख्य खबरें। अयोध्या जिले के हैदरगंज क्षेत्र के सीहीपुर उसरा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से 23 वर्षीय महिला व दो बकरियों की जलकर मौत हो गई। घटना करीब रात 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है। हैदरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा सीहीपुर उसरा की घटना है। अयोध्या जिले में आतंकवाद विरोधी दिवस पर डीएम अनुज कुमार झा व एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने अपने विभाग में शपथ दिलाई। इसके अलावा तहसीलों में भी एसडीएम सीओ व थानों पर थाना प्रभारियों ने लोगों को शपथ दिलाई। वाराणसी जिले के दनियालपुर में पिछले 15 दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। आज लोगों ने जल निगम का घेराव किया, जिसमें एक बार फिर लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिला है। बांदा जिले के बबेरू में दुल्हन के हो रहे थे फेरे, तभी भाई ने लगा ली फांसी। मामला बबेरू कस्बे के नहर कोठी से सामने आया है, जहां पर दुल्हन के 18 साल के भाई रामधनी ने मामूली बातचीत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना तब हुई जब जयमाला का प्रोग्राम चल रहा था। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले विपक्ष ईवीएम को लेकर हाहाकार कर रहा है। इस बीच विपक्ष को एक बड़ी आवाज मिली है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ईवीएम को लेकर आ रही खबरों पर चिंता जताई। प्रणब मुखर्जी ने अपने बयान में कहा है कि ईवीएम को लेकर आ रही खबरें चिंताजनक हैं। वर्ल्ड क्लास तकनीकी और सुविधाएं देने का दावा करने वाली दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ट्रेनों में तकनीकी खामियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में आज सुबह मजेंटा लाइन के साथ येल्लो लाइन पर भी हजारों यात्रियों को परेशानी से गुजरना पड़ा। देश में कंप्यूटर क्रांति की अलख जगाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 28वीं पुण्यतिथि है। देश उनको याद कर रहा है तो गांधी परिवार आज भावुक है। राजीव गांधी की बेटी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार सुबह अपने पिता की याद में ट्वीट करते हुए एक पुरानी तस्वीर साझा की है। प्रियंका ने इस तस्वीर का कैप्शन दिया, आप हमेशा मेरे हीरो रहेंगे। लोकसभा इलेक्शन 2019 संपन्न हो चुके हैं। अब हर किसी को 23 मई का इंतजार है, जब सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। 19 मई को सातवें व अंतिम चरण के मतदान के साथ ही एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। 21 मई को सुष्मिता सेन ने इस खिताब को अपने नाम किया था। एक्ट्रेस ने इस खास मौके के 25 साल पूरा होने पर अपनी पुरानी तस्वीरों को शेयर किया है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर से संन्यास लेने के बाद पेंटिंग में अपना करियर बना सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं। धोनी वीडियो में कह रहे हैं, मैं बचपन से ही आर्टिस्ट बनना चाहता था, इसलिए फैसला किया है कि मैंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल ली है, अब समय आ गया है कि इस पर विचार करूं। तो ये थी आज दिन भर की मुख्य खबरें। कल की खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।